आदिवासी अंचल के किसान इस समय बेहद परेशान हैं। बारिश से इनकी फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं। मुआवजे की मांग को लेकर जयेश के साथ आदिवासी किसानों ने धरना दिया। आदिवासी अंचलों में बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा सहित 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति के बैनर तले आदिवासी किसानों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया। किसानों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं गत दिनों हुई बारिश में उनकी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। ऐसे में जो मुआवजा मिलना है वो भी नाम मात्र का होता है। इसलिए आदिवासी किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने गंजाल मोरंग बांध परियोजना को निरस्त करने, वन ग्रामों में वन अधिकार पत्रों का अवलोकन कराकर मालिकाना हक दिया जाने की मांग की। टिमानी विधानसभा से जयस प्रत्याशी रमेश मस्कोले ने बताया कि अधिक वर्षा से जिले की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। आज हम कलेक्टर कार्यालय आए हैं किसानों की मांग को लेकर। बाढ़ से, अति वर्षा से किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सभी किसान बंधु आज यहां आए हैं अपनी मांग को लेकर कि अति शीघ्र उसका बीमा राशि दी जाए, साथ ही राहत राशि दी जाए। उसके लिए आज हम आए हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर मान लो पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं तो उसका डिजिटल सर्वे कराया जाए और शीघ्र से शीघ्र आरबीसी की धारा 6-4 के तहत अति शीघ्र मुआवजा राशि, राहत राशि दी जाए। इसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।